योगी वही बन सकते हैं। चार पिलर, पहला इसमें ब्रह्मचर्य लिखा है, या हम कहेंगे जिसके पास पवित्रता का बल हो। दूसरा पिलर, जो स्वनामधारी हो। तीसरा, जो आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करते हो। और चौथा, जिनके पास ज्ञान का बहुत बल हो। ज्ञान का बल, जैसे योग का बल है, जैसे ज्ञान हमारे लिए लाइफ है, वैसे ही योग बहुत, ज्ञान बहुत बड़ा बल ही है। मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, जिनकी घरों में गीता पाठशालाएं हैं या जो टीचर हैं, सभी भाई बहनों से काम कराएंगे, अपने लिए ज्ञान के पावरफुल 25 पॉइंट सबको लिख कर रखने हैं, भले 50 दिन में लिखना। 25 बहुत शक्तिशाली ज्ञान के पॉइंट कैसे हैं वो, जो हमें एकदम याद करते हल्का करते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, आप उन 25 पॉइंट्स को पढ़ लो, चित्त शांत हो जाए। आप किसी बात से बहुत परेशान हो गए, आप ये सोचने लगे पता नहीं क्या होगा, वो पॉइंट पढ़ लो, मन हल्का हो जाए। कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, वो पॉइंट पढ़ लो, बेफिक्र बात समझ जाए। ऐसी बाबा की 25 पॉइंट सुंदर बातें सभी को अलग अलग लिख के रखनी है, निधान सबको करना है। बोलो करेंगे। ये होगा ज्ञान का बहुत बड़ा बल, इसकी बहुत जरूरत होगी। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई, गीता लैब में भी कराई, सभी आत्माओं का अब कर्मों का हिसाब किताब कौन होना है, किसी का किसी तरह, किसी का किसी तरह, उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है। दूसरी, मन के सारे बोझ मुझे दे दो। तो क्या कहा बाबा ने, कल भी आप सुन चुके हैं, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। सोच लो, याद आते ही पढ़ते ही मन हल्का हो जाएगा, ले जाओ सब बोझ। तीसरी बात, जिसका मैंने बहुत यूज किया जीवन, तुम तो केवल मेरी याद में मगन रहो, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बहुत बड़ी चीज है, याद आते ही कुछ और हो जाएगा। आज आपने सबने संकल्प किया, जो करते रहना कुछ दिन, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। किया सभी ने, ये याद आते ही सारी भविष्य की चिंताएं खत्म। मेरे साथ ही नहीं, जिनकी आपको चिंता होती है उनके लिए संकल्प कर दो, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी बाबा की 25 पॉइंट्स नोट करनी है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, क्योंकि मन को व्यर्थ से मुक्त करना ये सहज काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है, हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मन को व्यर्थ से मुक्त करो। आपको भय लग रहा है,
याद आ गया, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, मैं खत्म। आपको मरने से डर लग रहा है, ज्ञान होते भी कईयों को मरने से बहुत डर लगता है। याद आ गया, मैं आत्मा तो मरती ही नहीं, और मर भी गई तो जाएंगे कहाँ, मर के बाबा के पास, आनंद ही आनंद है। तो ऐसी बातें सबको याद करनी है, तो अच्छे अनुभव हो जाएंगे। कर लेंगे ना सर, अपना खजाना बना लो इसको। बहुत सुंदर नशे की बातें, स्वमान की बातें, स्वमान की प्रैक्टिस किस तरह करेंगे। जो बिल्कुल श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, अरे तो आपको प्यार है भैया, थोड़ा सा मोड़ दो, इधर तो सामने ऐसे कर लो, नहीं मेरी और मुख नहीं, यही रखो और ऐसे कर दो, कर लो थोड़ा सा और कर दो, स्वमान की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक बहुत सुंदर तरीका है सबके लिए, आप तो अपनी वीडियो के लिए कर रहे हैं ना, आपको चेहरा करेंगे, अरे मेरा चेहरा देख के क्या करेंगे। स्वमान, आप सभी कम से कम बारह स्वमान लिखकर रखेंगे, कई सालों की हमने चर्चा कर ली है, लिखने फटाफट जो लिखना चाहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, इशारों में लिख लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, बस विजय लिखो, मैं हूँ छोड़ दो, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तीन चार शब्द है इसके लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और जिसको बहुत पावरफुल अनुभव करने हो, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, आत्मा सूर्य की तरह तेजो में चमक रही है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, मैं पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ,